गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक प्रीवियस वीडियोस में हमने ग्रुप से रिलेटेड वीडियोस देखी, सब ग्रुप से रिलेटेड, और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। यानी कि आपके पास अगर H1 एक सब ग्रुप है, H2 एक सब ग्रुप है, तो हम प्रूव करके दिखाएंगे कि H1 इंटरसेक्शन H2 भी एक सब ग्रुप होगा। सेकेंडली, अगर आपके पास H1, H2 अप टू सोन, आपके पास आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन को भी हम प्रूव करके दिखाएंगे कि सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी चीज़ हम दिखाएंगे कि अगर H1 एक सब ग्रुप है, H2 एक सब ग्रुप है, तो H1 इंटरसेक्शन H2 भी एक सब ग्रुप होगा। देखिए किस तरीके से हम उसे प्रूव करेंगे। सबसे पहली बात देखिए, H1 क्या है? एक सब ग्रुप है। H2 क्या है? एक सब ग्रुप है। दोनों ही सब ग्रुप हैं, इसका मतलब अपने आप में एक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं आइडेंटिटी H1 के अंदर भी बिलोंग करेगी और आइडेंटिटी H2 के अंदर भी बिलोंग करेगी। अब देखिए, नोट करने की बात क्या है, मैंने यहाँ पर E1 और यहाँ पर E2 क्यों नहीं लिखा, दोनों की आइडेंटिटी को सेम ही क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों ही H1 और H2 सब ग्रुप हैं ग्रुप G के। ग्रुप जी की आइडेंटिटी एक ही होगी और वो यूनिक होगी, डेट इज़ ई। ठीक है, तो ई ही आइडेंटिटी H1 में भी होगी और ई आइडेंटिटी H2 में भी होगी। अगर ये आइडेंटिटी H1 में भी है और H2 में भी है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी H1 इंटरसेक्शन H2 में है। ठीक है, H1 इंटरसेक्शन H2 में हमने ये दिखा दिया कि आइडेंटिटी तो है, इसका मतलब एक बात तो श्योर है कि हमारे पास H1 इंटरसेक्शन H2 फाई तो नहीं होगा, यानी कि नॉन एम्प्टी है वो। ठीक है, एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आइडेंटिटी तो ज़रूर एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, ये चीज़ हमने यहाँ पर दिखाई है। जिससे मैंने क्या बोल दिया कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज़ इक्वल टू फाई। ठीक है, अब मुझे अगर ये दिखाना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 नॉन एम्प्टी मैंने दिखा दिया। ठीक है, सेकेंड कंडीशन हमने जब सब ग्रुप को प्रूव करने के लिए, जैसे हमने वन स्टेप टेस्ट का नाम भी दिया था, अगर हम दो एलिमेंट्स ए बी बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन H2 के लिए, अगर हम ये दिखा देना कि ए बी इनवर्स भी उसी के अंदर एग्जिस्ट करेगा, तो हम प्रूव कर देंगे कि ये सब ग्रुप है। ठीक है, इसको हम वन स्टेप टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सो फाइनली इन ऑर्डर टू प्रूव डैट H1 इंटरसेक्शन H2 इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, इट इज़ सफिशियंट टू प्रूव डैट, दो एलिमेंट ले रही हूँ मैं A और B, कहाँ से? H1 इंटरसेक्शन H2 से। और क्या दिखा दूँगी मैं कि हमारे पास A और सेकेंड एलिमेंट का इन्वर्स बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन H2 में। इसको हम नाम क्या देते हैं? वन स्टेप टेस्ट का। ठीक है, ये चीज़ मैं लेकर चलूँगी और इस चीज़ तक पहुँच जाऊँगी। सो लेट A, B belong to H1 intersection H2. इसका मतलब क्या है? इसके इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब A, B H1 के अंदर भी होगा और A, B हमारे पास H2 के अंदर भी होगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ उनके इंटरसेक्शन में भी है, वो उन दोनों ही ग्रुप्स के अंदर तो होगी ही होगी। आपको ये भी पता है कि हर सब ग्रुप के अंदर वन स्टेप टेस्ट वेरीफाई करता है, यानी कि अगर मैंने आपको कह दिया कि H1 हमारे पास सब ग्रुप है, या फिर H1 भी नहीं, H सब ग्रुप है G का। ठीक है, ये सब ग्रुप है, तो हमारे पास अगर हम दो एलिमेंट लें H में से, A B बिलोंग टू H, तो हमारे पास A B इनवर्स बिलोंग टू H होगा। ठीक है, यही चीज़ हमें यहाँ पर दिखानी है कि हमने क्या करा, ए बी बिलोंग टू H1 एंड ए बी बिलोंग टू H2 इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी से। इसके बाद हमें ये भी पता है, अलग अलग ये जो H1 और H2 है, ये सब ग्रुप हैं, ऐसा हमें थ्योरम के स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ था। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी बिलोंग टू H1 विच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग टू H1 एंड ए बी बिलोंग टू H2 विच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग टू H2। This implies A B inverse belong to H1 intersection H2. ठीक है, सो हमने क्या लिया, A B H1 से था, A B H2 में भी था, जिससे हमने ये प्रूव कर दिया कि A B H1 intersection H2 में था। शुरू की कंडीशन क्या थी, A B belong to H1 intersection H2, यही चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दी। सो हम क्या कह सकते हैं,
कि हमारे पास H1 इंटरसेक्शन H2 क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया G का, इस सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टी थी, बहुत ही आसान सी थ्योरम थी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, स्पेशली MDU एग्ज़ाम्स में तो 2 मार्क्स में आती ही आती है, और आप किसी और यूनिवर्सिटी के हैं तो भी इम्पॉर्टेंट है। इंटरसेक्शन यूनियन वाले टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, लेकिन जब आप ग्रुप की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, यूनियन इतना रोल प्ले नहीं करता, ठीक है। सो ये तो थी जब हमारे पास दो ही सब ग्रुप थे, अब हम आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम के स्टेटमेंट क्या है, एन आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज सब ग्रुप, ठीक है। तो प्रूफ के अंदर सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेट जी बी अ ग्रुप, जी हमने कोई भी ग्रुप लिया, और इस बार आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन लेना है, कोई 2 या 3 सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन नहीं लेना। आर्बिट्ररी में क्या होता है, कितने भी, उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, एच लेमडा, वेयर लेमडा बिलोंग टू टी, जहाँ पर आपके पास ये टी क्या होगा, इंडेक्स सेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपके पास ये जो एच लेमडा है, पिछली थ्योरम में आपने इसको एच वन एच टू इस तरीके से डिनोट किया था, यहाँ पर आप एच वन एच टू अप टू सोन, जहाँ तक आपका मन करे आप वहाँ तक ले सकते हो, ठीक है। तो हम इन जनरल पे डिस्कशन चला रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, अगर आप यहाँ पर लेमडा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये अलग सब ग्रुप बन जाएगा, 2 पुट कर देंगे तो अलग। तो एच लेमडा जब मैं कह रही हूँ तो ये क्या है, फैमिली ऑफ सब ग्रुप, इसके अंदर एच वन भी है, एच टू भी है, एच थ्री भी है, एच फोर भी है, जहाँ तक कि आपको काउंटिंग आती है वो सब है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं कोई फाइनाइट के बारे में तो डिस्कशन कर ही नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एच लेमडा, लेमडा बिलोंग टू टी, बी फैमिली ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी। देखो जैसे मैंने आपको पिछले में बताया था, जब एच वन पुट किया तो वो भी सब ग्रुप है, एच टू पुट किया तो वो भी सब ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या है, एच लेमडा हर लेमडा के लिए एक अलग सब ग्रुप बना रहा है, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एच लेमडा इज ए सब ग्रुप ऑफ जी फॉर ईच लेमडा बिलोंग टू टी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या मान लिया, इन सभी के इंटरसेक्शन को हम डिनोट करें एच से, ठीक है। इसमें क्या है, एच वन इंटरसेक्शन एच टू इंटरसेक्शन एच थ्री अप टू सोन, इस सभी को हमने डिनोट कर लिया एच से, ठीक है। और अब इस एच से कोई मेंबर्स लेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग टू एच, ये प्रोडक्ट नहीं है, अलग अलग हैं, बीच में कोमा का यूज़ कर रखा है मैंने। अगर मेरे पास एक्स वाई एच से हैं तो इसका मतलब मुझे दिखाना क्या है, एक्स वाई इनवर्स एच से दिखाना है। अगर मुझे सब ग्रुप प्रूव करना है तो मुझे यहाँ तक पहुँचना होगा, ठीक है। ये देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर मैं ये कह रही हूँ कि एक्स वाई बिलोंग टू एच है, एक्स वाई बिलोंग टू एच है, इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ एच लेमडा वेयर लेमडा बिलोंग टू टी, क्योंकि मैंने तो एच की वैल्यू ही पुट किया ना सिर्फ। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया यहाँ से, कि एक्स वाई अगर हर एच लेमडा मतलब पूरे के इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब क्या है, एक्स वाई बिलोंग टू एच लेमडा फॉर ईच लेमडा बिलोंग टू टी। देखो आप अब तक जितने भी रिजल्ट्स यूज़ करते आए हो, आपको पता है अगर कोई भी चीज़ उसके इंटरसेक्शन में है, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ है, तो वो ए में भी होगा और बी में भी होगा। वही चीज़ मैंने यूज़ किया, अगर ये इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब है हर एच लेमडा के अंदर होगी, ठीक है। इसके बाद देखो हर एच लेमडा एच वन एच टू अप टू सोन, हर एच लेमडा आपके पास क्या है, एक सब ग्रुप है। अगर हमारे पास हर एच लेमडा एक सब ग्रुप है तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग टू एच लेमडा फॉर ईच लेमडा बिलोंग टू टी। अगर आप ध्यान से देखें, मैं स्टेप्स वही रिपीट कर रही हूँ जैसे मैंने 2 के लिए किया था, वैसे मैं
आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन के लिए कर रही हूँ, वहाँ भी मैंने यही किया था कि अगर ये एच लैम्डा एक सब ग्रुप है तो इसके लिए एक्स वाई इनवर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, और अगर ईच लैम्डा के लिए हो रही है तो हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ लैम्डा बिलोंग टू टी एच लैम्डा के लिए भी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग टू एच होगा। एक्स वाई इनवर्स बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ लैम्डा बिलोंग टू टी एच लैम्डा, ये कहाँ से लिखा, क्योंकि हमारे पास फॉर ईच लैम्डा के लिए है, अगर वो हर एच लैम्डा में है तो इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन में भी होगा, अगर उनके इंटरसेक्शन में भी होगा तो उसकी वैल्यू तो एच है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली एच पुट कर दिया। ठीक है, सो हमने लिया क्या था यहाँ पर, डेट एक्स वाई बिलोंग टू एच, और हमने प्रूफ क्या कर दिया, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग टू एच, यहाँ पर इम्प्लाइज नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया कि आपके पास ये जो H है ये एक सब ग्रुप है, इसका मतलब आपने क्या दिखा दिया, लैम्डा बिलोंग टू T, H लैम्डा इज सब ग्रुप ऑफ G, इज सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, इसका मतलब आपके पास क्या है कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ G इज सब ग्रुप ऑफ G, उनकी इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप ही बनेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स, और आज की वीडियो में यही वाली प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, सब ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल, जिसमें हम एक एग्जांपल के अंदर यूनियन वाली प्रॉपर्टी को भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट, हैव अ नाइस डे।